1963 नाउ डिस्कस डिसेस्टर। हम आज डिसेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन देखिए। डिसेस्टर इज एन अनडिजरेबल कैटास्ट्रोफी। डिसेस्टर जो है अनडिजरेबल कैटास्ट्रोफी है, रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्सेस दैट आर लार्जली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ओके, डिजेस्टर जो है अनडिजरेबल जो कैटेस्ट्रोफी है, जो कभी भी हो सकता है। ओके, रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्सेज ओके दैट आर लार्जली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ओके, स्ट्राइक्स क्विकली विद लिटिल और नो वार्निंग। देखिए, कोई भी वार्निंग देते नहीं है। एंड के कॉजेस और थ्रेटन्स सीरियस disruption of life and property, threats and serious disruption of life and property के जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन एंड फ्लड। ओके, सो इंडियन डिजास्टर आप देखिए क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी एंड फ्लड। देखिए, डिजास्टर आर नॉर्मली कॉज्ड बाई नेचर। देखिए, डिजास्टर जो होते हैं मेनली कॉज्ड बाई नेचर, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। अगेन, हाउ वेर देयर आर मेनी ह्यूमन इंड्यूस्ड जो डिजास्टर होते हैं, मेनी ह्यूमन जो ह्यूमन भी कराते हैं डिजास्टर को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगेन चार्नोबी, ओके चार्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो वार्स, ओके वार्स जो होते हैं वार। ओके, रिलीज ऑफ सी एफ सी एक डिजास्टर है, रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैस। सम डिजास्टर आर नेचुरल इन ओकरेंस, ओके बट दोज आर इनडायरेक्टली कॉज्ड बाई ह्यूमन इन एक्टिविटीज। देखिए, नेचुरल तो होते हैं लेकिन उसका भी लिए ह्यूमन ही जो मेन वो दाई है। ओके, उसका हाथ बहुत बड़ा है ह्यूमन का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लैंडस्लाइड जो होते हैं हिली एरिया में, ड्रॉट्स, फ्लड्स, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज, वो सब के लिए ह्यूमन दाई है। ऑन द अदर हैंड देखिए, नेचुरल हैजर्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। देखिए, नेचुरल जो हैजर्ड्स है आर द एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंस का जो एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंस इन द नेचुरल एनवायरमेंट के लिए दैट हैव द पोटेंशियल टू हार्म पीपुल प्रॉपर्टी बोथ। ओके, जो प्रॉपर्टी को भी हार्म करते हैं। ओके, द डिजास्टर आर ग्लोबल इन नेचर। देखिए, डिजास्टर ग्लोबल इन नेचर, हिंट्स टू कॉम्बैट इट विथ इट। देखिए, द यूनाइटेड नेशंस मेड ए सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड May 1994। डिजास्टर जो है ग्लोबल इन नेचर, हिंट्स टू कॉम्बैट विथ इट। ओके, द यूनाइटेड नेशंस जो है मेड ए सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी लिया है एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट जो हेल्ड हुआ था May 1994 में एट योकोहामा, ओके जापान में। देखिए, सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड 1994 में, ओके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए योकोहामा जापान में जो है, क्योंकि जापान में बहुत सारे डिजास्टर होते हैं। ओके, द योकोहामा कॉन्फ्रेंस हाउएवर इज पॉपुलर एज द योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर ए सेफर वर्ल्ड। देखिए, उसको हमने क्या जानते हैं ना, योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर ए सेफर वर्ल्ड। सेफर वर्ल्ड को करने के लिए योकोहामा स्ट्रेटजी एक प्लान किया हुआ है। ओके, प्लान ऑफ एक्शन लिया है सेफ वर्ल्ड के लिए। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्या क्या कैटेगरीज है डिजास्टर का। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर ब्रॉडली कैटेगरीज है, एटमोस्फेरिक डिजास्टर होते हैं, टेरिस्ट्रियल डिजास्टर होते हैं, एक्वाटिक डिजास्टर होते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं। देखिए, क्या एटमोस्फेरिक डिजास्टर इंक्लूड, देखिए एटमोस्फेयर में जो लाइक अपर सरफेस में, देखिए अपर एयर में, एटमोस्फेयर में क्या ना इंक्लूड ब्लिजर्ड्स, थंडरस्टॉर्म, ओके ब्लिजर्ड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके टॉर्नेडो, ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, हीट वेव, कोल्ड वेव्स एक्सेट्रा। ओके, एटमोस्फेरिक डिजास्टर। टेरिस्ट्रियल देखिए, अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड,
एवलेंचेस एंड सब्सिडेंस। एक्वाटिक देखिए, एक्वाटिक प्लांट, टाइडल वेव्स एंड स्ट्रॉम सर्ज, सुनामी एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या है? इंक्लूड फंगल, फंगल बैक्टीरिया, वायरल डिजीज। देखिए बायोलॉजिकल वायरल डिजीज, बैक्टीरिया वायरल डिजीज होते हैं, बर्ड फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा के इंक्लूड। देखिए बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या है? फंगल, ओके, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, ओके, बर्ड फ्लू एक्सेट्रा। सो डिजास्टर्स, डिजास्टर जोन, वेरी हाई डैमेज अर्थक्वेक्स रेक्स, अर्थक्वेक रिस्क जोन जो होते हैं, वेरी हाई डैमेज अर्थक्वेक रिस्क जोन। देखिए इंडिया इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ दरभंगा एंड अरबिक अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इन बिहार। डिजास्टर जोन देखिए वेरी हाई रिस्क जोन कहाँ पर है? देखिए दरभंगा, नॉर्थ ऑफ दरभंगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड एरियाज ऑफ नॉर्थ ऑफ दरभंगा, अरानी, अरई, अरारिया एलोंग द नॉर्थ इंडो नेपाल बॉर्डर, अरारिया बिहार, बिहार उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश एंड धर्मशाला, कश्मीर वैली, हिमालयन रीजन एंड कच्छ गुजरात में होते हैं। ओके हाई डैमेज अर्थक्वेक यहाँ पर तो हो गया, तो देखिए यहाँ पर हो गया वेरी हाई डैमेज, और वेरी हाई डैमेज करते हैं यहाँ पर। ओके इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए हाई डैमेज, हाई डैमेज अर्थक्वेक कहाँ पर होता है? ओके सॉरी, वेरी हाई डैमेज, देखिए हाई, सॉरी हाई डैमेज अर्थक्वेक होते हैं इंडिया के और पार्ट्स, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थन पार्ट ऑफ पंजाब, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ओके, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ बिहार, ओके नॉर्थन बिहार। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन कहाँ पर होते हैं? अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन नॉर्मली कॉज द सी फ्लोर मूव एब्रप्टली रिजल्टिंग इन सडन डिस्प्लेसमेंट, ओके, ऑफ ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई पार्टिकल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ हाई पार्टिकल वेव्स जो होते हैं, व्हिच इज नोन, व्हिच आर नोन एज सुनामी, इट्स सो एज सोन इन द इमेज इवन बिलो। ओके मैम नेचुरली क्या होता है, कैसे होते हैं सुनामी? देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो सी फ्लोर मूव करते हैं फ्रेंडली एंड सडन डिस्प्लेसमेंट होते हैं ओशन वाटर। देखिए इन द फॉर्म हाई पार्टिकल जो वैल्यू, हम हाई पार्टिकल वैल्यूज वेव्स जो होते हैं, व्हिच इज नोन एज सुनामी। ओके नेक्स्ट देखिए, जो सुनामी कैन बी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंटली अलोंग द पैसिफिक रिंग में, हम देखते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ओके, जो पैसिफिक रिंग, पैसिफिक जो ओशन है वहाँ पर, ओके, जो पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली अलोंग द कोस्ट ऑफ अलास्का, जापान, फिलीपींस एंड अदर आइसलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया। ओके देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया सब कोस्टल एरिया है वहाँ पर, हम देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसका पहले मैंने डिस्कस कर दिया और कर रहा हूँ, देखिए साइक्लोन प्रोन एरिया रीजन, यहाँ पर साइक्लोन होते हैं बहुत ज़्यादा कोस्ट में, मेनली साउथ साउथर्न एंड ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में मेनली होते हैं, सम यहाँ पर भी होते हैं। ओके मुंबई, देखिए मुंबई, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओके तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ओके बेंगलोर यहाँ पर, मुंबई, तो यहाँ पर होते हैं साइक्लोन। ओके फ्लड देखिए, फ्लड प्रोन रीजन देखिए यहाँ पर होते हैं वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी होते हैं पंजाब, यहाँ पर होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं आंध्र प्रदेश, ओके मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी होते हैं। ड्रॉट देखिए, ड्रॉट यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, सामेरिया, महाराष्ट्र, ओके यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी होते हैं, ओके यहाँ पर भी होते हैं। ओके देखिए हॉट डिजर्ट कहाँ पर है? देखिए हॉट डिजर्ट है राजस्थान, सम गुजरात एरिया में, राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। फ्रिजिड डिजर्ट, देखिए फ्रिजिड डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट जो होते हैं यहाँ पर मेले जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। ओके नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए,
Tropical cyclones are intense low pressure areas. Tropical cyclones are intense low pressure areas. They confined between 30 degree north and 30 degree south latitude. लो प्रेशर एरिया देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंटेंस लो प्रेशर एरियाज में होते हैं, कन्फाइंड 30 नॉर्थ टू 30 साउथ में होते हैं। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन मोस्टली वार्म, मोस्टली ए वार्म एंड लो प्रेशर, वार्म एंड लो प्रेशर जो होते हैं क्लाउडलेस आर नोन एज आई ऑफ स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म इन द इमेज बिलो। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो सुनामी में एक जहाज को डुबा दिया, ओके शिप को एक डुबा दे रहा है, ओके ठीक है, कितना वाटर प्रेशर कर रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं कोस्ट में और उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना ये बड़ा डिसेस्टर वाला जो इसका पार कितना होगा। देखिए ये सबको डुबा देंगे अगर फ्यूचर में ग्लोबल में और ग्लोबल वार्मिंग होगा, अगर इतना ही ओशन का वाटर बढ़ेगा तो क्या होगा आप समझिए। द सेंटर ऑफ साइक्लोन द साइक्लोन मोस्टली वार्म एंड एंड लो प्रेशर क्लाउडलेस कोर, ओके नोन एज आई ऑफ स्टॉर्म। ओके देखिए आई ऑफ स्टॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ साइक्लोन मोस्टली वार्म एंड लो प्रेशर जो क्लाउडलेस कोर। इसके बाद देखिए द आइडियल इन द आइडियल लोकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ इन इंडिया इज बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन जो आइडियल जो लोकेशन होते हैं तो बे ऑफ बंगाल में, देखिए ये बे ऑफ बंगाल है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन होते हैं। ओके साइक्लोन ऑफ द बे ऑफ बंगाल नॉर्मली डेवलप्ड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर। देखिए अब तो दिसंबर चल रहा है तो अक्टूबर इसका पहले जो मंथ है नवंबर एंड उसके बाद पहले जो अक्टूबर, ओके उस टाइम बहुत अच्छा जो है डेवलप होते हैं साइक्लोन, ओके उसका फेवरेट है उस टाइम पे होने का। ओके राष्ट्रीय देखिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है नेशनल फ्लड फ्लड कमीशन आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन इन इंडिया। देखिए राष्ट्रीय जो बाढ़ आयोग है नेशनल फ्लड कमीशन उन्होंने आइडेंटिफाइड किया ना 40 मिलियन जो हेक्टर्स जो है 40 मिलियन हेक्टर जो होगा 40 लाख नहीं 4 करोड़ हेक्टर, ओके ओके 44 करोड़ जो हेक्टर जो लैंड है एज फ्लड प्रोन इंडिया का। ओके ओके देखिए असम वेस्ट बंगाल बिहार इज द हाई फ्लड प्रोन स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके वेस्ट बंगाल बिहार आर द हाईएस्ट फ्लड स्टेट्स फ्लड प्रोन स्टेट्स इन इंडिया। अबाउट 30% ऑफ द इंडियाज टोटल एरियाज कम्स अंडर ड्रॉट। ओके इंडिया का 30% जो ड्रॉट होते हैं एरिया विच आर अफेक्ट अबाउट 50 मिलियन पीपल जो लगभग 5 करोड़ पीपल जो इसमें अफेक्ट होते हैं। ओके 5 करोड़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान कैटेगराइज एंड एज एक्सट्रीम डिजर्ट अफेक्टेड एरिया। राजस्थान में एक्सट्रीम होते हैं द पार्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान में मेनी पार्ट देखिए लाइक मध्य प्रदेश देखिए महाराष्ट्र ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी होते हैं इंटर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में केरला का प्लेट कर्नाटक प्लेट और नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द इंटर तमिलनाडु साउथर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड झारखंड इंटर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा आर द कैटेगरीज आर सेवर सेवर ड्रॉट फोन रीजन। ओके देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रॉट होते हैं सेवर ड्रॉट फोन उड़ीसा झारखंड के जम्मू कश्मीर हाँ देखिए तमिलनाडु में होते हैं कर्नाटक होते हैं। ओके देखिए यंग माउंटेन एरियाज ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए यंग माउंटेन जो होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न के देखिए हिमालय देखिए अंडमान निकोबार हाई रेनफॉल रीजन्स विद द स्टीप स्लोप जो होते हैं वेस्टर्न घाट नीलगिरी एलोंग विद द एरियाज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते हैं कैटेगराइज एज वेरी हाई लैंड स्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन। देखिए वेरी हाई लैंड स्लाइड जो है वल्नरेबिलिटी जोन कहाँ पर है हिमालय रीजन में है नॉर्थ ईस्टर्न ओके अंडमान निकोबार है। ओके देखिए उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट में नीलगिरी में होते हैं लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन है वो और इसका हम कैटेगराइज किया है ना वेरी हाई लैंडस्लाइड वल्नरेबल जोन। ओके नेक्स्ट देखता हूँ द डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो 2005 में डिफेंस किया ना किया डिजास्टर एज ए उन्होंने क्या बताया डिजास्टर मैनेजमेंट जो बिल 2005 में ओके ए कैटास्ट्रोफी मिसहैप कैलामिटी। ओके कैटास्ट्रोफिक मिसहैप कैलामिटी ओके तो ए और ग्रेव अकरेंस अफेक्टिंग एनी एरिया। ओके
or grave occurrence affecting any area arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence, which result in substantial losses of life. ओके okay. जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें नेग्लिजिबल विद द रिजल्ट्स इन द सब्सटेंशियल लॉसेस ऑफ लाइफ होते हैं, ह्यूमन सफरिंग करते हैं और डैमेज होते हैं एंड डिस्ट्रक्शन होता है एनवायरनमेंट एंड एंड इट्स ऑफ सच नेचर और मैग्नीट्यूड एज टू बी बियॉन्ड द कॉपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द इफेक्ट एरिया. ओके ए सिचुएशन वेयर व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल इज नोन एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. ओके इस सिचुएशन देखिए व्हेन जब देर इज ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल होता है, मतलब बहुत अच्छा रेनफॉल होता है तो इनएडिक्वेट रेनफॉल होते हैं तो उसको हमने मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं. ओके ओके प्रोलॉन्ग पीरियड में वो होते हैं रेनफॉल. ओके लेकिन मतलब ऑल सीजन में नहीं होते हैं, एक पीरियड में, तो उसको हमने मेट्रोलॉजिकल नोन एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं. वैन सॉइल मॉइस्चर दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द क्रॉप्स, सॉइल मॉइस्चर जो क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं. ओके इन फेस इनसफिशियंट टू सपोर्ट क्रॉप कल्टिवेशन के लिए सपोर्ट देता है उन्होंने एग्रीकल्चरल डॉट. ओके ओके इनसफिशियंट सफिशियंट इनसफिशियंट इनसफिशियंट सपोर्ट क्रॉप कल्टिवेशन के लिए. वैन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स बिकॉज वन देखिए वन प्रोडक्टिविटी जो होते हैं ऑफ नेचुरल इको सिस्टम फेल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज वाटर में एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इको इसके कॉन्सिक्वेंस फैलते इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस करते हैं एवं डैमेज होकर द इको सिस्टम को डैमेज करते हैं, इसको हमने इकोलॉजिकल डैमेज डॉट कहते हैं. ओके सो थैंक्स टू वॉचिंग इट्स एंड आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू. सो इसके बाद हमने वर्ल्ड के जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. आई थिंक इट विल बी